एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी आई एम मो इन जारून आई वेलकम यू ऑल ऑन हॉट स्पॉट स्टडी एंड होप डेट यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड न प्रेस द बेल बटन फॉर वीडियोज लाइक दिस सो आज की इस वीडियो में हम लोग गुफ्तु करेंगे डिस्कस करेंगे आ, जो तीन मंथ्स का क्रैश कोर्स है जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि कोर्स किन किन सब्जेक्ट्स के लिए है और कौन कौन बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी मुदत क्या होगी और ये स्टार्ट कब से होगा सो so, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बरए क्रम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिस भी मदरसे मतलब में आप पढ़ते हो या किसी भी स्कूल से आपका बैकग्राउंड हो आप उन बच्चों के माबेन इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा सो so, डैट बहुत सारे बच्चे इस क्रैश कोर्स से फ़ायदा उठा सकें सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट आवर सेल्व देखिए हम लोग जाम मिले इस्लामिया बी ऑनर्स अरबिक बी ऑनर्स उर्दू बी ऑनर्स और बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की पिछले दो सालों से अलहद तैयारी करा रहे हैं और रिज़ल्ट भी कोचिंग का बहुत अच्छा रहा है पिछले दो सालों में पचास बच्चे हमारी कोचिंग सिलेक्ट हुए हैं और उन पचास बच्चों का इंटरव्यू भी हम बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे, सो so, पिछले सालों को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी हम तीन मंथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद जब ये क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में फिर उसके बाद सेकंड क्रैश कोर्स हम लोग लेके आएंगे बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में पर्सनल रीजनस की वजह से या वो मदारस में उनका लास्ट ईयर होता है या फिर उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है या कुछ बच्चे ये समझते हैं कि चलिए हम बाद वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और उसकी मदद से मतलब तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे इसी वजह से हम लोगों को दो क्रैश कोर्स चलाना पड़ते हैं एक अक्टूबर से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से लेके मार्च तक हम लोग चलाते हैं सो so, आइए इस कोर्स के बारे में हम लोग डिटेल से गुफ्तू करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल्स और मैसेजेस आते हैं इस कोर्स से रिलेटेड के सर बतलाइए कि हम हमें मतलब इसमें कौन कौन सी इस खसूसियात दी जाएंगी और क्या क्या पढ़ाया जाएगा क्लास कितने दिन में होगी और क्लास की क्या टाइमिंग रहेगी सो so, सारी चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करूँगा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बर क्रम वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप जिस भी मदरसे से ताल्लुक़ रखते हो चाहे आप जामिया इस्लामिया सनाबेल नई दिल्ली से हों या फिर जामिया शलफ़िया बनारस से हों या फिर दाराललुम नद्वल लखनऊ से हों या लूम देवबंद से हों आपका ताल्लुक जिस भी मदरसे से हो आप उस मदरसे के बच्चों में जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं आई मीन जो सानिया आलिया में है या जिनका फजीलत का इयर है तो उनके माबैन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ठीक तो so आइए देखते हैं कि हॉट स्पॉट स्टडी प्रेजेंट्स थ्री मंथ्स क्रैश कोर्स तीन महीने का एक क्रैश कोर्स है इतनी बात आपको क्लियर हो गई ये किन किन कोर्सेज़ के लिए है तो ये चार कोर्सेज के लिए है फ़र्स्ट जो कोर्स है इसमें वो बी ऑनर्स अरबिक का है सेकेंड बी ऑनर्स उर्दू और तीसरा है जामिया बी ऑनर्स परशियन का और फोर्थ है जामिया बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का तो ये चार कोर्सेज़ हैं जिनके हम लोग प्रॉपर अंदाज़ में तैयारी कराते हैं और इन्हीं कोर्सेज़ के लिए हम लोग गाइड करते हैं ठीक सो ये चार कोर्सेज़ हैं अलग अलग बैचेस होती हैं अरबिक का अलग बैच लगता है बी ऑनर्स उर्दू का अलग बैच होता है एक एक घंटे हर मतलब सब्जेक्ट की क्लास होती हैं सो तो डैट आप एग्ज़ाम को अच्छे अंदाज में क्लियर कर सको ठीक उसके बाद अगली जो बात आती है वो ये कि ये स्टार्ट कब से होगा सो स्टार्टिंग की डेट अभी भी मैंने बताई कि एक अक्टूबर से इन ये स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 30 सितंबर 2022 तक है देखिए 30 सितंबर 2022 के बाद किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कोचिंग के अंदर नहीं लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं एडमिशन चल रहे हैं तो जिस भी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना है एडमिशन कराना है वो आ, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा उस पर या तो आप मैसेज करें या फिर आप मतलब कॉल के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स तीस सितम्बर दो के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे एडमिशन कराएंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा उनको नहीं लिया जाएगा बैच के अंदर ठीक और एक बात मैं आप लोग और बतला दूं कि हम लोग बैच के अंदर सिर्फ 40 स्टूडेंट लेते हैं आई मीन बियोनस अरबिक में हम 40 लेंगे उर्दू में 40 स्टूडेंट लेंगे पर्शियन में चालीस और बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में चालीस सो चालीस चालीस स्टूडेंट लेते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्मम अगर हम इस्टूडेंट लेते हैं तो पचास एक बैच के अंदर इससे ज़्यादा स्टूडेंट इस हम किसी भी बैच के अंदर नहीं लेते हैं तो आप में से जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं या आपका कोई भाई हो दोस्त हो या रिलेटिव हो तो आप उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए मेरा नंबर पहुंचाइए सो so, स्टूडेंट वो जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और अच्छी गाइडेंस लें प्रॉपर गाइडेंस लें ठीक उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट सवाल करते हैं कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कि सर क्या सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा कोचिंग के अंदर या नहीं देखिए कोचिंग की एक फैसिलिटी है जो हम सब बच्चों को मतलब प्रोवाइड करवाते हैं वो ये है कि मतलब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हमारी कोचिंग के अंदर कवर कराया जाता है ठीक बोथ पार्ट सब्जेक्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव विल बी कवर्ड सब्जेक्टिव के लिए अलग से टीचर हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से टीचर हैं ठीक उसके बाद नीचे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि थर्टी फाइव प्लस क्लास रूम सलेक्शन इन जामिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू पैंतीस बच्चों का हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है जामिया मल्या इस्लामिया दो हज़ार बाईस के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं जून के अंदर जिनका अभी रिज़ल्ट आया जुलाई में तो उसमें से हमारी कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है सो so, पैंतीस बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हम हमारी कोचिंग से उनका इन बहुत जल्द इंटरव्यू लाया जाएगा और वो अपनी स्ट्रेटजीज बतलाएंगे और कोचिंग का महत्व बतलाएंगे गाइडेंस क्या होती है और प्रॉपर अंदाज़ में किस अंदाज़ में कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें वो बच्चे आपके सामने बयान करेंगे और कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी के बारे में भी बतलाएँगे बुक्स वगैरह के भी बतलाएंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डैट इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो उसके बाद फीचर्स पे आइए बात करते हैं देखिए छः दिन कोचिंग के अंदर क्लास होती है सिर्फ़ एक दिन की छुट्टी होती है फ्राइडे के दिन ठीक एक मॉक टेस्ट लिया जाता है पर डे पर वीक सॉरी पर वीक हम लोग एक मॉक टेस्ट लेते हैं सो डैट आपकी जो प्रिपरेशन है उसको जाना जा सके कि आप कितना मतलब तैयार जो आप क्लास में सुन रहे हैं सो आप उसको याद भी कर रहे हैं या सिर्फ आप मतलब क्लास लेने आते हैं ठीक उसके बाद साठ मिनट की पर क्लास होती है एक घंटा पर क्लास होती है डेली ठीक पी वाई क्यू कम्प्लीट सोलूशनस के साथ करवाए जाते हैं पी वाई क्यू चाहे अरबिक के हों चाहे उर्दू के हों या पर्शियन के हों तमाम की तमाम वीडियोज़ मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बना दी हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा ठीक हैंड रिटन एंड टाइप टाइप नोट्स जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो क्लास मान लीजिए आज क्लास है आज फ्राइडे का दिन है तो एक दिन पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए करवा दिए जाएंगे पर्सनल जो मतलब ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं उन पर ओके okay, उसके बाद ड्यूरेशन uh, क्या है तीन महीने का एक कोर्स है अक्टूबर से दिसंबर तक उसके बाद सेकेंड बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से मार्च तक ठीक सिलेबस कवरिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये जो सिलेबस है हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो अरबिक में या बेअरबिक या उर्दू या पर्शियन या इस्लामिक स्टडीज़ में आते हैं सो नाइन्टी परसेंट बच्चों का ताल्लुक मदरसे से होता है इसलिए हमारी कोशिश होती है हमारा फोकस होता है कि बच्चों को जी के बिल्कुल मतलब सरल अंदाज में आसान भाषा में पढ़ाई जाए सो डैट वो सारी बातों को कैच कर ले जाएँ देखिए अरबिक में हम लोग अरब वर्ल्ड भी पढ़ाते हैं और इसी तरीके से जनरल नॉलेज भी पढ़ाते हैं उर्दू में तारीख़ अदबे उर्दू इसी तरीके से जो सब्जेक्टिव वाले जो पोर्शन है गालिब इकबाल के बारे में या मरसिया मसनवी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कोचिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन है ऑफलाइन क्लासेस नहीं है ठीक उसके बाद जो फ़ीस है फ़ीस का मसला मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पंद्रह सौ फीस है पर बैच की मान लीजिए अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको पंद्रह सौ रुपीज़ मतलब पे करना पड़ेंगे अगर आप दूसरा बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं उर्दू के बैच में तो आपको पंद्रह सौ फीस देना पड़ेगी अगर आप थर्ड बैच लेना चाहते हैं तो आपको पंद्रह सौ अलग से देना पड़ेगी कुल मिला के अगर आप समझना चाहें तो इसको इस अंदाज़ में समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चारों बैच ज्वाइन करता है तो पंद्रह इन टू फोर पंद्रह चौका साठ छः हज़ार रुपये मतलब उसको फीस पे करना पड़ेगी ठीक है बहुत ही लो फीस है ये तीन महीने की मैं फ़ीस बतला रहा हूँ ठीक अगर आप कहीं और मतलब पढ़ेंगे तो आपको मतलब एक महीने के अंदर आपसे पंद्रह सौ रुपये फीस ली जाएगी ठीक उसके बाद एक मसला और रह जाता है कि बच्चे पूछते हैं कि क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी ठीक सो so मोस्टली जो हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं कोचिंग में वो नाइट के टाइम में होती हैं सात बजे के बाद ठीक है दिन के टाइम को हम लोग प्रेफर इस वजह से नहीं करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं लास्ट ईयर होता है तो सुबह को उनकी मदरसे में क्लासेस होती हैं शाम में वो इजीली ये क्लासेस ले सकते हैं ठीक आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर मेरा नंबर है नब्बे छः सौ चौरानवे सैंतालीस दो सौ चौंसठ ये मेरा नंबर है आप इस नंबर पे मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझसे इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं इन कोर्सेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आप में से किसी भी शख्स को कोचिंग का पार्ट बनना है तो सिंपली वो मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई देने का भरपूर अंदाज़ में कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं ठीक